सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल गया, छोड़ गए, तो प्लीज मुझे पर हमारे लामा गया। मैंने कहा एक चीज जाती है दूसरी तो आनी चाहिए, नीलगढ़ चले गए, रकून, इतने सारे एनिमल चले गए। मैंने कहा एक चीज आती है दूसरी आती है, तो आ भी गई है। और ये देखिए हम अपने फार्म पर न्यू जर्मन शेफर्ड ले आए हैं। हम अपने फार्म में किसी चीज की कमी तो नहीं रहने देंगे, एक चीज जाएगी तो दूसरी ले आएंगे ना। तो जर्मन शेफर्ड ले आए हैं न्यू, और ये काफी फ्रेंडली है, और इसकी एज ये 6 मंथ है, इतनी एक्टिव है ये। वैसे यार ये मेहमान आया हुआ है, ये ना फार्म पर नया है, तो ना इस शहर के पर हमारे काम है। हम लोग का बाबा और मैं तो फार्म पे रहते हैं, इसको तो देखते हैं, तो कोई भी न्यू आ जाते हैं ना तो हम कान पाड़ते हैं हमारे। ये न्यू है तो सारे लोग इसके लिए न्यू होंगे, एनिमल न्यू है। और ना वैसे आपको बाबा का ये जितना प्यारा है ना, मुझे भी काफी प्यारा लगा, पर बाबा ने जैसे आया बाबा ने बताऊं क्या बताया, ये मेहमान है, इन्हें जल्दी चले जाना है, तो कुछ दिन का मेहमान है, मतलब आज या कल, आज तो नहीं, आज तो शाम होगी, कल या परसों तक इसे चले जाना है। वैसे आपको पता है ये मेरे मिनी रूम में तो आने जाने तो लगा ही रहता है, तो एक चीज जाती है तो दूसरी आती है। मैंने कहा आपको दिखाने के लिए मंगा लूं, यार इसको तो प्यास है कि उसके पास पानी नहीं है, उसको पानी दिलवा दूं। मैं इसके पास आया हूँ, वैसे मैं भी इसके लिए नहीं हूँ, पर मेरे पे नहीं फोंक रहा ये ना, सिर्फ एनिमल और डॉग्स पे ही फोंकते हैं, एनिमल पे फोंकते हैं, इंसानों पे नहीं फोंकता। हमारी छत की ना थोड़ी सेटिंग चेंज हो गया, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये छत डाली है, ये किसके लिए डाली है बताता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर खड़ा किया धूपना है, छत लगाई धूपना है, ये किस लिए किया, इनके लिए। ये लोग ब्रीड वगैरह कुछ नहीं करते, बस इनको हमने इनके लिए लग्जरी इनका घर वगैरह बना देते हैं, पर ये ब्रीड वगैरह कुछ नहीं करते। तो आज बताओ हमने क्या करना है, देखो कैसे सोए हुए, मुंह एक वहां से निकल रहा है, एक वहां से, एक का वहां से। हाँ भाई क्या हो गया, सारे हमने डंडे लगाए ना, सारे डंडों पर ही चढ़ गए हैं, वो पूरा ही रेड है, रेड होता नहीं है, रेड डार्क रेड था, इस सनलाइट पे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे उसको मेहंदी लगी हो, मेहंदी मेहंदी का से कलर है इसका, फुल रेड है ये। यार ये हमारा ना इनके पास गुब्बारा बना हुआ है, पर यार ये ब्रीडिंग कर रही, मैं देखता हूँ और इनके अंडे वंडे नहीं आ रहे, एक बार ट्राई करो आज फिर से, और फाइनली इसने मेरे रिपीट कर लिया एक बार फिर से। ये पूरा ब्लू हुआ हुआ फेस से, तो इनकी ये यूनिक चीज होती है, तो मतलब ये काफी एडल्ट जब हो जाते हैं ना, ये ब्रीड कर ये रेडी हो जाते हैं, तब ये फूलते हैं और अपनी नेक को जब ये वैसे फूलते रहते हैं, ये मुंह ब्लू हो, अरे फुली अडल्ट हो गए तब, तो हमारे का भी मुंह ब्लू हो गया और ये फूला हुआ है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये ब्रीड के काबिल हो चुके हैं। तो हमारे गोल्डन चिंज को हमने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, ये देखिए हमने इसलिए ऊपर किया क्योंकि नीचे लाइन साइकिल होने वाले हैं, तो हमने अब क्या करना है, इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, नीचे लाइन साइकिल, हमने ये भी चेक करना था कि ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं नहीं। यार इसको तो जुबान काली है, कहते हैं ना तुम्हारी जुबान काली है, इसकी भी काली है, ये बोल तो नहीं सकता। हाँ भाई आपको चेक करेंगे, आप ऊपर रह सकते हो, वैसे मौसम वगैरह सही है, तो हम सुबह से इनको ऊपर नीचे खड़े क्योंकि लाइन वगैरह आने हैं, तो जल्द आएंगे, तो उनकी जगह बनानी है, तो इनको ऊपर नीचे ही करी जा रहे हैं हम, तब इनके ऊपर कहीं जगह वगैरह बाबा से पूछते हैं क्या करनी है। हाँ भाई आप शांत हो मत हो ना, आपके ऊपर हमने किसी वजह से किया है, क्योंकि ना अब क्या इनके बाल भी बड़े हो गए हैं, तो अब क्या होता है इनको ना नीचे बंद बंद गर्मी लगती है, तो इनको ना कोई ओपन जगह चाहिए, पर इसमें भी एक मसला आ रहा है, हमें इनको यहाँ तो बंद किया है, पर अब हमने डस्ट में जाना हो तो ये डस्ट में जाकर अटैक भी कर सकते हैं उनपे और हमारा रास्ता भी बंद कर सकते हैं। हाँ भाई तुम लोग डक्स के पास जूकीबर को आने जाने के लिए तंग तो नहीं करोगे, भाई आपको बता दूं हमने इनका भी फुल इंतजाम किया है, तो बताऊं क्या किया है, आ जाए आपको मैं साथ जगह बता, देखिए हमारे डक्स वगैरह पानी खाने पी रही है, अब चले ना आपको बताते हैं इनके लिए हमने क्या इंतजाम किया। भाई ये है हमारे रकून का खेत, तभी था अब है नहीं,
और खुकी रुकूज उधर हो गए। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि सफाई सफाई करनी है, यहाँ पर हमने अपने गोल्डी जीटर को शिफ्ट करना है। दिन में यहाँ रहेंगे क्योंकि सारे रुकूम तो वहाँ जो है उनको वहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ की सफाई सफाई करेंगे और हमारे गोल्डी जीटर को दिन में यहाँ रखेंगे, शाम को यहाँ पर ओपन पूरी रात यहाँ ऊपर रहेंगे, तो इसलिए सही है ये रात वो हो जाएगी, स्कूटी भी हो जाएगी और दिन में क्या होगा अंदर बंद रहेंगे। भाई यहाँ पर ओपन रहेंगे रात को, तो रात को ना ठंड बहुत हो जाती है, तो ये ना क्या होगा यहाँ पर सही रह लेंगे ठंड में। तो आज भी लोग लगाते हैं ये बस खुश हो आज तो लाइक सब्सक्राइब करें, तो अलग से ज्यादा हम चैनल चारों का सब्सक्राइब कर दें, ये भी कह रहे सब्सक्राइब कर दो है ना, सब्सक्राइब कर दो, इतना चैनल तो कर दें।